जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने नगर निगम मधुबनी के नवनिर्वाचित मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों का डीआरडीए सभागार में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि नगर परिषद से नगर निगम बन जाने के बाद पहली बार हुए निर्वाचन में सभी नवनिर्वाचित पार्षदों, उप पार्षद, मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद को शपथ दिलाते हुए प्रसन्नता हो रही है। मौके पर डायरेक्टर डीआरडीए किशोर कुमार, जिला उपायुक्त निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परमल कुमार समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। शासन से मिल और जो हम लोग क्या बेरोजगारी जानना चाहते हैं उसके कई तमाम वार्ड पार्षद की समस्या है, उनके जो सामाजिक तौर पर जो मूलभूत समस्या होती जो हम लोग उपचार दें, हम लोग नगर निगम के प्रशासक जी हैं, जो 2021 के बाद चुनाव 2023 में हुआ और नगर में जो समस्याएं हैं जल से लेकर के जल जमाव तक की समस्याएं हैं, अति गंभीर समस्याएं हैं। क्या दिशा निर्देश होगा आपकी ओर से नए नवनिर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर? सबसे पहले सभी मधुबनी नगर निगम के सभी सम्मानित पार्षदों को आत्मसमर्पण ग्रहण कराया गया निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में और सभी लोगों को मेरी तरफ से ये सारी प्रयास करेंगे, उन तक बहुत अधिक से अधिक समझ में जो बात आएगा मतदाता मंडी को उनसे क्लियर करके हमको जो राजा बना है अपने राज्य को सुधार बनाने का काफ़ी प्रयास करेंगे और ईश्वर के आशीर्वाद से हम कामयाबी मिलेगी। तो खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ।